चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखेंगे ताकि आप एग्जाम में जो है 50 में 50 मार्क्स ला सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। स अभाज्य संख्याओं का मोस होता है, तो स अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो स्वयं से कटे अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है उसे स अभाज्य संख्या कहते हैं। जब भी ऐसा संख्या लेंगे, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, स अभाज्य संख्या है। जब ये स अभाज्य संख्या है 1 से 2 में भाग देंगे, ये 2 बार में कटेगा, ये क्या 1 आया। मतलब ऐसा संख्या का हमेशा एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमेशा 1 आएगा। या तो जैसे कि मान लीजिए हम 1, 3 लिए, ये भी अभाज्य संख्या है, इसमें भी जब हम भाग लगाएंगे छोटा से बड़ा में भाग लगाते हैं ये 3 बार में कैंसिल होगा। और जब भी एचसीएफ का बात करेगा ये साइड का होता है, तो मोस्ट ऑफ इसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक करना है, हमेशा एक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21/66 है एवं उनका मोस 19 है तो उनका लॉस होगा। ए नंबर 38, बी नंबर 57, सी नंबर 114, डी नंबर 99, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या या तो यहां डायरेक्ट दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, या तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल दिया है और उसका मोस दिया है, तो मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो प्यारे छात्रों ये 21/66 है और इसमें जो है इसका एचसीएफ दिया है 19, जब ये कटाएंगे 144 बार में कैंसिल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और जो है अगर पूछता एचसीएफ तो वह भी निकाल सकते थे, पहली संख्या पूछेगा वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक रहता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 114 बार में कैंसिल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है और इसको सही से देखिए। ऐसा जो है एलसीएम बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है और इसको सही से देखने का प्रयास करना है। सबसे पहले देखिए ये ए का जो टर्म दिया है 2^3 दिया है, ये 3 है गुना 5 है, और बी का जो टर्म दिया है 2^4 गुना 5 गुना 7। तो इसका लॉस निकालने के लिए देखिए, तो लॉस क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसमें 2^3 है और इसमें कितना है 2^4, तो वैसा चीज लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो ये 2^3 होगा ही। उसके बाद 3 यहाँ है 3 लेना है, 5 यहाँ है 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है, 1/5 लेना है और बचा 7। चलिए इसको गुणा करते हैं, 2^3 2 × 4 4 × 8 × 3 × 5 × 7 देखिए 8 × 5 = 40 40 × 3 = 120 × 7 बासते, तो ये 0 बासते 840 गुना, अभी देखिए ये 2^4 यहाँ 2 है तो 1 2 बचा था, ये 2^4 जो है 3 दोनों में, ये 2 × 4 4 × 8 3 यहाँ भी है इसमें नहीं है 3 लिखिए, 5 यहाँ है 5 इसमें भी, 1/5 लिए कौन, 7 बचा 7 लिए। तो उसके बाद गुणा करेंगे इसको, तो
दो पर पावर तीन को, दो दुना चार, चार दुना आठ, ये कितना, उसके बाद जो है तीन है तीन लिखे, उसके बाद जो है पाँच लिए, उसके बाद सात, उसके बाद देखिए उसको गुना करेंगे, पाँच चार चालीस, चालीस तिया एक सौ बीस, एक सौ बीस गुना सात, एक सौ बीस गुना जब सात करेंगे आठ सौ चालीस, लेकिन इसमें पावर एक टू और होगा, ये जो है सोलह सौ अस्सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में कौन से अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन तो हम देखते क्षण में बना लेते, लेकिन बट है कि सीखना पड़ता है। अब देखिए जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये तीन से भी लग रहा है, उसके बाद नौ से भी लग रहा है, उसके बाद सत्ताईस से स्वयं लग रहा है, तो ये नहीं होगा, वैसा संख्या जो स्वयं से कटे अन्य किसी संख्या से नहीं कटे। अब देखिए इसमें जब हम आ लगाने का पारी लगाएंगे ये क्या पांच से भी लगेगा, सात से लगेगा और पैंतीस से स्वयं कटेगा, तो ये भी संख्या नहीं होगा। और ये तेरह का देखिए, तेरह में जो है स्वयं से भाग लगेगा और अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बोलिएगा ये क्यों नहीं होगा सर, तो ये भी जो है कि देखो नहीं होगा, दो से भी लग रहा है, दो से भी लग रहा है, चार से भी लगेगा, बहुत सारा टर्म है जो कि इसमें भाग लगेगा, इसीलिए जो है कि इसमें ये नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटता है अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, रूट सत्रह, देखिए अपरिमेय जिसका रूट पूर्ण रूप से नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये सत्रह का रूट पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए, इसका वर्गमूल टेन निकलेगा ये नहीं होगा, और इसका वर्गमूल टू होगा, और इसका वर्गमूल देखिए ये चार, ये पांच, ये नौ, तो ये सभी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छह में देखिए कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक है, दो का घातांक है ए नंबर थ्री, बी नंबर सिक्स, सी नंबर फोर, डी नंबर फाइव। तो प्यारे छात्रों ये 144 का, तो 144 का गुणनखंड करेंगे, ये सेवन, ये टू, फिर दो से छत्तीस, फिर दो से अठारह, फिर दो से नौ, फिर तीन दिया नौ, तो इसमें क्या पूछा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक, दो का घातांक देखिए दो, एक दो तीन चार, दो का घातांक कितना है चार, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार से गुणा करके पूछ रहा है, तीन का घात पूछता है तो दो होता, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आज यहीं तक मिलते हैं कल अगले पार्ट में, और आप लोग इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें और वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अगले पार्ट में मिलते हैं।